हाय एवरीवन, कंपटीटिव प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कोडसेफ के क्वेश्चंस के ऊपर जिसका नाम है ट्रेन पार्टनर। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग कोडसेफ को ओपन कर लीजिए एंड आपको फिर प्रैक्टिस सेक्शन में बिगिनियर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ट्रेन पार्टनर। ठीक है, इसका कोड है ANKTRAIN। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चंस बेसिकली क्या क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा होगा एंड क्वेश्चन समझ में भी आया होगा कि क्वेश्चंस उतना टफ नहीं है, बट मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसे कैसे सोचेंगे। ठीक है, अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है ना, या फिर नहीं है तो आप लोग उसे प्रैक्टिस कर करके अच्छी कीजिए। बिकॉज अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं केसेस को, सिचुएशन को, तो आपके इन सब क्वेश्चन में अटकने के चांसेस काफ़ी कम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोगों को। आप लोग कोडसेफ पे जाके, अगर आप लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी कोडसेफ के अकाउंट पे जाके आप ये ANKTRAIN का कोड पे आप इसे सर्च कीजिए, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चंस का लिंक दे रखा है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। ठीक है, रसी और राहुल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि उन लोग को जो पार्टनर है वो कौन सा मिलेगा। तो इन्होंने कोच में दे रखा है कि 8 ब्लॉक्स का कोच है। ठीक है, जिसमें कि लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर एंड साइड अपर है। ठीक है, ट्रेन पार्टनर इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कैसे हैं, वह मैं समझाता हूँ कैसे हैं। आपको टेस्ट केस में क्या दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ एन दे रखे हैं। पहले टी दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है। एन क्या है? बर्थ नंबर। और आपको बताना है कि उसके सामने कौन सा नेबर बैठा होगा। ठीक है, जैसे कि 4 लोअर बर्थ है, जैसे कि दिया हुआ 1 बर्थ नंबर, अगर 1 है तो उसका जो पार्टनर होगा सामने वाला वो होगा 4 लोअर बर्थ। 5th है तो आपको पार्टनर होगा 2 मिडिल बर्थ। ये कैसे डिसाइड कर रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेन की बात करें तो ये साइड व्यू होता है। ठीक है, अगर हम लोग टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे कि सीट का अलाइनमेंट कैसे किया गया है। ओके, तो ये देखिए पहला अलाइनमेंट 1, 2, 3, 1 के सामने 4, 2 के सामने 5, 3 के सामने 6 एंड 7 के सामने 8। 7 और 8 हो गया आपको साइड लोअर एंड साइड अपर, जो आपके पार्टनर्स है। ठीक है, जो कोच में आपका सीट पार्टनर है। 1 हो गया लोअर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ एंड ये अपर बर्थ। 1 और 4 लोअर बर्थ हो जाएगा एज इट इज़। अगर मैं आपको स्टैक के फॉर्मेट में समझाऊँ, मतलब कि अगर आप साइड व्यू में समझने की कोशिश करें तो देखिए ऐसे ही होता है। मैक्सिमम लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लोअर बर्थ होता है, देन उसके बाद मिडिल बर्थ, देन अपर बर्थ। 1, 2, 3, 1 के सामने 4, 2 के सामने 5 एंड 3 के सामने 6, ये उनके पार्टनर हुए। और साइड लोअर साइड अपर में 2 सीट होता है साइड में, तो उसमें 7 और 8 उनके पार्टनर हुए। अगर मैं सीट्स बढ़ाऊँ तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 के सामने 12, 10 के सामने 13, 11 के सामने 14 एंड देन 15, 16। एज इट इज़ ये प्रोसेस चलते रहेगा 24, फिर 32 तक, देन फिर 40 तक। इट में कि नंबर्स और आगे तक जाए मुझे इनसे मतलब नहीं है। मैं अब आपको लॉजिक की बात करता हूँ कि हम लोग सर पार्टनर पकड़े कैसे। कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर से सामने वाला जो पार्टनर होगा वो कैसे पता चलेगा। तो वही तो बात है, ये होता है विजुअलाइजेशन पावर। मैंने टॉप व्यू देखा, फिर मैंने सीट्स का अलाइनमेंट देखा। अब मैं आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे देखिए काम कर रहा है। साइड अपर की बात करें, साइड अपर कौन कौन सा है? 8, 16, 24, 32, 40। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब ये सारे नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब कि अगर इसका रिमाइंडर देखा जाए तो 0 होगा। अभी साइड अपर का अगर 8 के सामने का बात किया जाए तो पार्टनर कौन होगा? 7। ठीक है, 16 का पार्टनर कौन होगा? 15। 24 का कौन होगा? 23। डायग्राम में देखिए आप लोग, 32 का कौन होगा? 31। इट मीन्स कि n माइनस 1, जो भी n दिया हुआ है n माइनस 1, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तब, और वो साथ में क्या है? साइड लोअर है। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जिसमें कि रिमाइंडर देखते हैं क्या है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में जो आपका पार्टनर होगा वो होगा n माइनस 1, और साथ में क्या होगा? साइड लोअर। मैंने बना दिया रिमाइंडर, देखिए 0, तो सॉल्यूशन क्या होगा? n माइनस 1 एंड कोच स्लीपर। ठीक है, सॉरी साइड लोअर। अब देखिए, अब मैं साइड लोअर की बात करूँ, साइड लोअर कौन कौन सा है? 7th है, 15th है, 23 है, 31 है, 39 है। यहाँ तक क्लियर?
आप डायग्राम देख के इमेजिन कीजिए एंड देन उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, आपको बहुत ईजिली ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए जरूरी नहीं है कि हर किसी को लॉजिक आपको स्ट्राइक कर जाए, बट ये जब पक्का जरूरी है अगर आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करके समझ रहे हैं ना, तो आपको उनका लॉजिक्स बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 7 का पार्टनर कौन होगा, 8, 15 का कौन 16, 23 का कौन 24, 31 का कौन 32, 39 का कौन 40। यहाँ तो आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है। और ये सारे नंबर की खासियत क्या है कि अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 आएगा। ये तो आप समझ पा ही रहे होंगे, अगर 8, 15 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। यहाँ तक क्लियर, बॉडी लॉ ऑपरेटर्स हम लोग पता कर सकते हैं। तो इन केस में इनका पार्टनर कौन होगा, n प्लस 1 पक्का, और जो कि क्या होगा साइड अपर। तो इसको भी हम लोग चार्ट में लिख लेते हैं, अगर रिमाइंडर 7 है तो सॉल्यूशन n प्लस 1 और कोच होगा साइड अपर। अब बात करते हैं लोअर बर्थ की, तो लोअर बर्थ कौन कौन सा है 1। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पता कर रहे हैं लोअर बर्थ कौन सा है 1, 9, 17, 25, 33। इनका खासियत क्या है कि वो अगर 8 से उनको डिवाइड किया जाए तो उनका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। अब देखिए अब 1 के केस में क्या है, उनका पार्टनर कौन है 1 प्लस 3, इट मीन्स की 4। 9 के केस में क्या है 9 प्लस 12, इट मीन्स की 3। 17 प्लस 3, 20। 25 प्लस 3, 28। 33 प्लस 3, 36, इट मीन्स की वो भी लोअर बर्थ होगा। ये भी समझ में आ रहा है आपको, तो इसको भी हम चार्ट बना के लिख लेते हैं, अगर रिमाइंडर 1 है तो n प्लस 3 जो कि लोअर बर्थ, ठीक है ना। अब लोअर बर्थ हमारे पास 4 भी है, 12 भी है, 20 भी है, 28 भी है, 36 भी है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 4। अगर रिमाइंडर 4 आया तो हम लोग 3 माइनस कर देंगे, जैसे 4 माइनस 3 1, 12 माइनस 3 9, 20 माइनस 3 17। तो इस केस में n माइनस 3 और जो कि होगा लोअर बर्थ, इसको भी चार्ट में हम लोग लिख लेते हैं, अगर रिमाइंडर 4 आता है तो n माइनस 3 कर देंगे एंड लोअर बर्थ मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। एज इट इज़ मिडिल बर्थ के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड पॉज करिए वीडियो को एंड एक बार देखिए कि मैंने सही किया है कि नहीं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। आई होप कि समझ में आया होगा कि मॉडुलो ऑपरेटर अगर 2, 10 के केस में अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो 2 बचता है, उस केस में n प्लस 3 कर देंगे मिडिल बर्थ मिल जाएगा। अगर 5, 13 और 21 वाला केस देखें तो n मॉडुलो 8 लगाएंगे तो 5 मिल जाएगा, जो कि n माइनस 3 के अकॉर्डिंग मिडिल बर्थ मिल जाएगा, उसको भी चार्ट बना के लिख देंगे। फिर एज इट इज़ हम लोग अपर बर्थ के लिए बात करेंगे, ठीक है, उसे भी चार्ट बना के लिख देंगे। अब मैं बात करूँ, अब देखिए अगर किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो रिमाइंडर आएगा 0 से लेकर 7 तक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो देखिए सारे केस कवर हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, फिर देखिए 5, 6, 7, और सब केस में सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को। अब फिर उसके उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कोच भी मिल गया। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या, ऑब्वियसली क्लियर हो ही गई होगी क्योंकि विजुअलाइजेशन से हर कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ को डायग्रामेटिक वे में लिख देते हैं या कर देते हैं तो आपको वो चीज़ काफ़ी आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका कोड करना तो बहुत आसान है, तो चलिए कंपाइलर ओपन करते हैं। पहले बताइए हम लोग क्या क्या दिया हुआ था, पहले टेस्ट केस दिया हुआ था, ये तो वेरी गुड आप लोगों को याद है। एंड उस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिला था, हम लोग को मिला था हर बर्थ नंबर, उसको एन में स्टोर कर लेते हैं, मान लो तो बर्थ नंबर है ये, ठीक है। अब सी इनको भेजेंगे, जाओ भैया एन लेके आओ, जो भी एन वो देगा। ये सब चीज़ें हम लोग पहले बात कर चुके हैं, सॉरी स्मॉल टी हो गया, यस। नाउ अब जो है इफ़ अगर n मॉडुलो 8 अगर 0 है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में करेंगे सी आउट, बताइए क्या करेंगे हम लोग। अगर n मॉडुलो 8 अगर 0 आ रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, n माइनस 1 कर देंगे और कोच लिख देंगे स्लीपर। तो n माइनस 1 एंड कोच लिख देंगे स्लीपर, बिकॉज देखिए आउटपुट का फॉर्मेट, देखिए आउटपुट का फॉर्मेट क्या दिया है, आउटपुट का फॉर्मेट दिया है आप लोगों को कि साथ में आपको बर्थ भी लिखना है कि सामने वाला बर्थ कौन सा मिलेगा उसको, ठीक है। तो और दोनों चिपका हुआ है, इट मीन्स कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं, बस नंबर लिखा, नंबर प्रिंट कराया, देन उसको तुरंत बाद स्लीपर प्रिंट मतलब कि साइड डोर प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं एल्स इफ अगर एन मॉडुलो 8 अगर 7 आ रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे सी आउट। 7 के केस में क्या था, n प्लस 1 एंड साइड अपर, n प्लस 1 साइड अपर एंडल। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ,
बार बार ताकि मुझे लिखना ना पड़े। नाउ अगर एन मॉड्यूलो 8 अगर क्या आ रहा है, अब अगला केस क्या था, 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैंने पहले कॉपी में लिख लिया इन सारी चीज़ों को और फिर मैं उसे कोड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग डायरेक्ट अटेम्प्ट करना बंद कर दीजिए, आप लोग पहले देखिए कि क्या हो रहा है, हम लोग कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर उसे अप्लाई कीजिए। एन प्लस 3 है इस केस में, एन प्लस 3 और क्या है, लोअर बर्थ है, तो लोअर बर्थ है। नाउ एल्स इफ, सॉरी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब क्या है, 1 के बाद क्या था, 4, ओके 4। एंड इस केस में क्या करेंगे, एन प्लस 3, एन माइनस 3 एंड लोअर बर्थ, एल्स इफ, फिर मैं ठीक है। नाउ 1 हो गया, 4 हो गया, अब 2 और 5 के लिए देखते हैं। 2 एन प्लस 3 एंड मिडिल बर्थ, 2 हो गया, देन 5 के लिए देखते हैं, एन माइनस 3 ठीक है, देन मिडिल बर्थ, एल्स इफ, अब क्या था, 3 था, तो इस केस में एन प्लस 3 एंड अपर बर्थ। नाउ अब क्या था, 6 था, तो एन माइनस 3 एंड क्या आ गया, अपर बर्थ। ठीक है, आई होप कि मैंने सारे डेटा सही लिखा है एंड आंसर इससे आएगा 2525 एग्जैक्टली, मिडिल बर्थ अपर बर्थ। अब यहाँ तक क्लियर, कोड तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसे, कि जो भी नंबर आएगा उसे सीधे हम लोग 8 से डिवाइड करके सारा केस चेक कर सकते हैं, कि रिमाइंडर जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम लोग प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे सबमिट करते हैं। ठीक है, आई होप कि कोड हमारा सही हो हर बार की तरह। पेस्ट, सिस्टम आईडी मोड, ओके, नाउ सबमिट। आप लोग प्लीज ना कॉपी पे लिख के करने का आदत डालिए, आप लोगों को काफी इस चीज से हेल्प मिलने वाला है। आप लोग ये चीज समझिए, अगर आप लोग विजुअलाइज करके कॉपी में डायग्रामेटिकली सॉल्व कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे एंड आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, जो कि ज्यादा सही चीज है। यस, एज यूजुअल करेक्ट आंसर, हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट कर गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में भी आया होगा। मैं आज जो क्वेश्चंस देने वाला हूँ आप लोगों से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं और बेटर में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। एंड जो भी आप लोगों को सीखना चाहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में करके बताइए कि सर मुझे ये सीखना है, आप मुझे ये सिखाइए एंड मैं आप लोगों को जितनी मदद कर सकूँगा मैं पूरी तरह से मदद करूँगा। एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने वीडियो नहीं डाल रहे हैं, आप आगे बनाना चाह रहे हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। मैं करूँगा, आप मत घबराइए, बसरते आप लोग अपना होमवर्क काफ़ी बखूबी से कीजिए। अगर आप लोग अच्छे से होमवर्क कीजिएगा तो मुझे काफ़ी मन लगेगा एंड होमवर्क हो जाए तो मुझे प्लीज़ बताइए कि सर मेरे से हो गया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। एंड वीडियो जैसा भी लगा लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके ही बताइए एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर नहीं किया तो फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।